रिवर्स शेल का एक ऐसा तरीका जो कि कई तरह के स्कैनर्स जैसे कि नेसस एनमैप आदि में डिटेक्ट नहीं होता, जिसका यूज करके हैकर्स सिस्टम को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचिव यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पेन टेस्टिंग के वीडियो में हम जानेंगे हिडन बैंड शेल टेक्निक के बारे में। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए ही है। बिना किसी परमिशन के किसी दूसरे के सिस्टम पर इस तरह के अटैक करना पूरी तरह से इलीगल है। मैं यहाँ पर ये पूरा डेमो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में अपने ही सिस्टम पर दिखा रहा हूँ, तो आप भी यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें। यदि आप मेरा चैनल काफ़ी पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप शेल कोड, रिवर्स शेल, नेटकैट, मेटास्प्लॉइट आदि से भलीभांति परिचित ही होंगे, जिनको मैंने कई बार प्रैक्टिकली समझाया हुआ भी है। तो जब हम कोई मेटास्प्लॉइट का पेलोड टारगेट मशीन पर रन कराते हैं तो स्कैनर टूल्स की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि वो पेलोड अटैकर की कौन सी आईपी से कनेक्शन बनाएगा, वो स्कैनर्स की मदद से पता लगाया जा सकता है। तो आज हम मेटास्प्लॉइट का एक ऐसा पेलोड बनाएंगे जो कि स्कैनर्स को चकमा दे सकता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी अटैकर मशीन यानी कालिनक्स को ओपन कर लिया है। अभी हम यहाँ पर मेटास्प्लॉइट का पेलोड तैयार करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पर अपनी लोकल आईपी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत कई बार पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अपनी आईपी को निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरी लोकल आईपी है, इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है। अभी हम यहाँ पर मेटास्प्लॉइट का पेलोड बनाएंगे, तो इसके लिए कमांड लगाइए msfvenom-p और हम यहाँ पर विंडोज़ का एक पेलोड सेट करेंगे, शेल हिडन बाइंड tcp। तो ये पेलोड यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। अब हमें इसके कुछ ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ को सेट करना होगा, जैसे कि ए होस्ट के अंदर हम यहाँ पर अपनी लोकल आईपी सेट करेंगे, जिससे भी हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो वो आईपी हमने यहाँ पर टाइप कर दी है। यदि आप यहाँ पर इसका रिमोटली यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए अलग मेथड्स हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी लोकल आईपी को सेट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर पोर्ट सेट करेंगे, तो उसके लिए टाइप कीजिए एल पोर्ट और आप इसको जिस भी पोर्ट नंबर पर स्टार्ट करना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने वही कॉमन 4444 पोर्ट नंबर सेट कर दिया है, आप इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मेट सेट करेंगे कि आपको पेलोड कौन से फॉर्मेट में तैयार करना है, जैसे कि पावर शेल, exe आदि में। तो यहाँ पर मैं exe का ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने टाइप कर दिया exe। उसके बाद आप इस पेलोड को किस फाइल में सेव करना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ पर सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपना वही कॉमन नेम सेट कर दिया है tc.exe। उसके बाद यहाँ पर ये पेलोड क्रिएट हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट किया है उसके हिसाब से यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं ये पेलोड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यदि आपने यहाँ पर पेलोड का कोई भी पाथ सेट नहीं किया है तो ये हमारे करंट फोल्डर के अंदर ही बन जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर tc.exe फाइल आ चुकी है। अभी हमें इस फाइल को टारगेट मशीन पर रन कराना होगा, तो इसके कई तरीके हैं कि आप इस पेलोड को टारगेट मशीन पर कैसे डिप्लॉय कराएं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मेटास्प्लॉइट के ज़्यादातर पेलोड डिटेक्टेबल होते हैं, उनको एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेते हैं और माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफॉल्ट एंटीवायरस है विंडोज़ डिफेंडर वो भी इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो इसकी भी कई टेक्निक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं USB रबर डकी अटैक का इस्तेमाल करूँगा, जिसकी मदद से विंडोज़ डिफेंडर को डिसेबल किया जा सकता है या अपने पेलोड को विंडोज़ डिफेंडर से बाईपास कराया जा सकता है, वो इसको स्कैन ही नहीं करेगा। ये मैंने कई बार बताया हुआ भी है। इसके अलावा मैंने USB रबर डकी बनाने के कई मेथड्स बताए हुए हैं, जैसे कि DigiSpark के द्वारा, प्रो माइक्रो बोर्ड के द्वारा, रेसबेरी पाई पीकू के द्वारा। इसके अलावा मैंने DIY वाईफाई डक भी बनाना बताया हुआ है, तो आप इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ पर मैं इसके लिए रेसबेरी पाई पीको का यूज़ करूँगा। रेसबेरी पाई पीको को USB रबर डकी कैसे बनाते हैं इसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिएगा। तो एंटीवायरस से बचने के कई मेथड्स हैं, जैसे कि आप इस पेलोड को डाउनलोड कराएंगे तो हो सकता है कि कोई भी एंटीवायरस इसको डाउनलोड ही ना होने दे, तो आप इसको exe फॉर्मेट से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको exe से टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इस पेलोड को मैंने exe से टेक्स्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कराऊंगा और इसको हम वापस से exe फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये सारा काम USB रबर डकी के द्वारा काफ़ी तेज़ी से किया जा सकता है, जैसे कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा ही। तो पहले यहाँ पर मैं एक वेब सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ इस पेलोड को डाउनलोड कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं PHP की मदद से एक टेम्प्रेरी वेब सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कमांड लगा दिया है sudo php -S, उसके बाद हमारी लोकल IP, और आप इस वेब सर्वर को कौन से पोर्ट पर स्टार्ट करना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर आप कॉलन लगाकर टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको पोर्ट नंबर 80 पर ही रन कराऊँगा। अभी हम इस वेब सर्वर का यूज़ करके इन फाइल्स को टारगेट सिस्टम पर डाउनलोड करा पाएंगे। तो अभी यहाँ पर ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अभी हम आते हैं टारगेट मशीन पर। ये देखिए, ये विक्टम मशीन है जिसके अंदर की लेटेस्ट विंडोज 10 इंस्टॉल है। तो
तो मैंने यहाँ पर रास्पबेरी पाई पीको को सेटअप कर लिया है और इसके अंदर मैंने डकी स्क्रिप्ट को भी सेटअप कर दिया है जो कि मेरे अटैकर वाले वेब सर्वर से उस txt फाइल को डाउनलोड करेगा और इसको एक सी फाइल के अंदर सेव करेगा। मैं आपको यहाँ पर डकी स्क्रिप्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे वेब सर्वर से इस tc.txt फाइल को डाउनलोड करेगी टारगेट मशीन के टेम्पररी फोल्डर के अंदर tcbackdoor.exe नाम से और इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कराएगी। पर यहाँ पर जैसे एग्जीक्यूट होगा तो विंडोज डिफेंडर की फायरवॉल इसको ब्लॉक करेगा, तो इसको अलाउ करने के लिए भी यहाँ पर मैंने की स्ट्रोक्स को सेट किया हुआ है। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ही अलाउ हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने डकी स्क्रिप्ट के अंदर डिले टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मेरे मशीन पर कंटिन्यूसली 3 OS रन हो रहे हैं, एक होस्ट OS, बाकी 2 guest OS, एक विंडोज 10 और दूसरा काले लिनक्स। इसके अलावा यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे काफ़ी रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिले टाइम ज़्यादा लिया है। बाकी नॉर्मली यहाँ पर इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि कितनी तेज़ी से वर्क करेगा। तो अभी यहाँ पर मैंने रास्पबेरी पाई पीको को अपने टारगेट मशीन से कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं इसकी ड्राइव यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये ड्राइव यहाँ पर ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाएगी। इसके लिए मैंने की स्ट्रोक सेट किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अनबॉक्स ओपन होगा और जो हमने कमांड यहाँ पर सेट किया था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा जो कि tc.txt फाइल को डाउनलोड करके उसके टेम्पररी फोल्डर के अंदर एक सी फॉर्मेट में सेव कर देगा और उसको रन करा देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है, पर यहाँ पर विंडोज डिफेंडर फायरवॉल इसको ब्लॉक कर रहा है, तो इसको अलाउ करने के लिए भी यहाँ पर मैंने की स्ट्रोक सेट किया हुआ है। ये सारा काम यहाँ पर ऑटोमेटिक ही हो जाएगा और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये अलाउ भी हो चुका है। अभी यहाँ पर हमारा काम पूरा हो चुका है। अभी हम यहाँ पर USB रबर डकी को अनप्लग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर पेलोड टारगेट मशीन के बैकग्राउंड में रन हो रहा है। अभी हम इसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। पर इस दौरान यदि टारगेट मशीन को स्कैन किया जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट ओपन है और ये सिस्टम कौन कौन से एक्सटर्नल IP से कम्युनिकेट कर रहा है, यदि कोई इसको चेक करेगा तो यहाँ पर हमने जो पेलोड क्रिएट किया है उसके अंदर जो IP सेट की है वो यहाँ पर शो नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने कमांड लगाया netstate -ano, यहाँ पर मैं केवल पोर्ट नंबर 4444 को ही चेक कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोर्ट नंबर लिसन हो रहा है, पर यहाँ पर कोई भी IP शो नहीं हो रही है। यदि यहाँ पर इस पोर्ट नंबर को स्कैन भी किया जाएगा तो अभी यहाँ पर इसको एक क्लोज ही दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको NMAP के द्वारा स्कैन करके देखता हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोर्ट क्लोज दिखा रहा है, तो जब तक यहाँ पर हम इससे कनेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर कोई भी IP वगैरह शो नहीं होगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया टेक्निक है स्कैनर से बचने के लिए। यदि मान लीजिए अटैक के बाद या अटैक से पहले कोई भी इसको स्कैन करेगा तो यहाँ पर इसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करके भी चेक कर लेते हैं। मैं वापस से अपने अटैकर मशीन पर आ चुका हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे वेब सर्वर से tc.txt फाइल को डाउनलोड किया गया है। यहाँ पर टारगेट मशीन की IP भी आ चुकी है। मैं इस IP को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अभी हम इसको यहाँ पर नेटकट के द्वारा कनेक्ट करेंगे, तो मैंने कमांड लगाया NC, उसके बाद यहाँ पर मैं टारगेट मशीन की IP पेस्ट कर दी और यहाँ पर मैंने पोर्ट नंबर टाइप कर दिया 4444 क्योंकि हमने यहाँ पर इसी को ही सेट किया था। और आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर रिवर्स शेल मिल चुका है। अभी हमारा कंट्रोल टारगेट सिस्टम पर हो चुका है। हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कोई भी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, कोई भी उसकी पर्सनल फाइल डॉक्यूमेंट आदि को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर टारगेट मशीन के डेस्कटॉप पर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने मैसेज सेट कर दिया टेक्चिप वाज हेयर और फाइल का नाम मैंने सेट कर दिया hack.txt। तो यहाँ पर ये फाइल उसके डेस्कटॉप पर क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पर मैं इस फाइल को नोटपैड के द्वारा ओपन भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर टारगेट सिस्टम पर नोटपैड ओपन हो जाएगा और हमने जो फाइल सेट की है वो भी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर टारगेट मशीन पर नोटपैड ओपन हो चुका है और टेक्स्ट फाइल भी ओपन हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर ये टेक्निक वर्क करेगी। तो यहाँ पर मेरा मकसद आपको केवल ये बताना ही था कि ये टेक्निक्स किस तरह से वर्क करती हैं, जो कि आपकी पेन टेस्टिंग में काफ़ी हेल्प करेंगी। आप ऐसी टेक्निक्स की मदद से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यदि आप इस तरह के मेथड और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। और यदि आपका एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net की वीडियोज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे प्रैक्टिकल वीडियोज़ मिलेंगे जो कि अभी यूट्यूब से डिलीट हो चुके हैं। आप उन सबको यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के अंदर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।